हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल का गेट द राइट माइंड। और आज हम बनाने वाले हैं, देख रहे हो आप, स्ट्रिक्ट लेआउट प्रोग्रेसिव डाई विजार्ड स्ट्रिक्ट लेआउट बनाएंगे। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या हमें फाइल ओपन करते हैं। फाइल हमारा एक ब्रैकेट रहेगा। ओके, और ये देख रहे हैं इस टाइप का ब्रैकेट है। इसमें होल भी है, छोटी बेंडिंग भी है, यहाँ भी बेंडिंग है, डिम्पल भी है, डिम्पल के साथ तो होल भी है। और ये बेंडिंग 90 है, इसका कुछ एंगल और है, इसका हम चेक करते हैं। तो 49। तो चलो शुरुआत करते हैं। शुरुआत हम करेंगे प्रोग्रेसिव डाई विजार्ड में। तो उसमें क्या है, हमें डिफाइन इमीडिएट स्टेज पे जाना पड़ेगा। और उसमें क्या है, वेट तुम्हारे सबसे पहले कंपोनेंट की वेट चेक करेंगे कितनी आ रही है। यहाँ से 65 आ रही है, तो हमें 10 mm मार्जिन लेके चलना पड़ेगा 75। और हमें बनाना है फ्रॉम पार्ट टू ब्लैंक। इसके नीचे फ्रॉम ब्लैंक टू पार्ट का हमें पार्ट टू ब्लैंक बनाना है। स्टेज के स्टेज बढ़ा लेते हैं, 6 कर लेते हैं। स्टेज स्टार्ट तो प्रयोग करके देखते हैं। ये हमारा हो गया ओके, और देख रहे इस टाइप का। उसके बाद हम असेंबली नेविगेटर में जाते हैं, सब को ऑन करते हैं। देख रहे आप इस टाइप का है। उसके बाद हम आगे स्ट्रिक्ट लेआउट बनाएंगे। तो फाइनल और ब्रैकेट को हाइड कर देते हैं। उसके बाद हमारी कमांड रहेगी डायरेक्ट इनकोडिंग। उसमें क्या है, कन्वर्ट टू शीट मेटल रहेगा। कन्वर्ट टू मर्ज बैंड, डिफाइन रैंडम, डिलीट बैंड, हम कन्वर्ट टू शीट मेटल कर देते हैं। सेलेक्ट बेस हमारा आएगा ये, और इसमें कोई एडिशनल मेड फेस नहीं है। नेचुरल बी एफ टेबल मेटल 08 या बहुत सारे मेटल आप कोई भी चूज कर सकते हो। तो हम ये ले लेते हैं। फैक्टर हमारा बहुत सारे फैक्टर हैं, हम मेटल के हिसाब से डालते हैं। हम डेवलपमेंट लेंथ 2.9 ठीक है अप्लाई। इसमें क्या अलग अलग बैंडिंग आ गई देख रहे हो आप, और ये छोटी बैंडिंग भी दिखा रहा है, इसके ऊपर वाली, और ये वाली, इसके बाद ये भी। इसको हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, उसके बाद हमारे नेक्स्ट कमेंट रहेगी बैंड ऑपरेशन। तो बैंड ऑपरेशन में अनबैंड, रीबैंड, प्री बैंड, आउट बैंड, ये बहुत सारे हैं। तो अभी हमें अनबैंड करना है। तो इस बैंडिंग पे क्लिक करते हैं, अप्लाई, और इसको भी सीधा कर देते हैं। हम देख रहे हो हमारा कंपोनेंट रोटेट हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सो अल्टरनेट रिजल्ट अप्लाई। उसके बाद जाते हैं हम, ये होल हमें बंद करना है। होम में जाएंगे, डिलीट फेस नहीं, अगले स्टेशन पे जाते हैं। इसको पार्ट को ऑन करते हैं। देख रहे हो आप, ऑन करने का अलग अलग है। इसको दो नंबर हमारा होम है, और डिलीट फेस, इन दोनों होलों को हम डिलीट कर देते हैं, और इनको भी अप्लाई। और उसके बाद हम बैंडिंग अनबैंड करेंगे इसको, वही प्रोग्रेसिव डाइव जाइड में जाके अनबैंड। अनबैंड से क्या है, एक बार में तो अनबैंड पूरा पार्ट अनबैंड हो जाता है, इसके लिए हमें और बैंड करना है। तो और बैंड इसको क्लिक करते हैं, और यहाँ एंगल डालते हैं। एंगल कितना डालें, 45। दूसरी साइड उठ रहा है हमारा, थोड़ा और उठाते हैं इसको, 35
30 में ज़्यादा उठ रहा है, 35 ले लेते हैं अप्लाई। इसके बाद भी इस दूसरी साइड भी, तो यहाँ मैंने लाने 15 में ज़्यादा हो रहा है, 16 डालते हैं, 65 कर लेते हैं उसको, हमारा ओके हो गया। इसके बाद अपने पार्ट को ऑन कर देते हैं, आप 3 नंबर ऑन हो गया, और इसको हम क्या करते हैं, अनबैंड करते हैं, क्लिक इंटरनेट शो, और उसके बाद इसको भी क्लिक इंटरनेट शो अप्लाई, और इसके बाद अभी अप्लाई, और ये भी अप्लाई हो जी। दोस्तों हमारा सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई है, हमें डिंपल है, डिंपल बनने के बाद बनाने पड़ेंगे, थोड़ा सा रिवर्स चला पड़ेगा, और रिवर्स लाने वाला होम में जाके डिलीट फेस, और हमें डिंपल इसको डिलीट करते हैं अप्लाई, और इसको डिलीट करते हैं अप्लाई। इसके बाद हमारा नेक्स्ट बेंडिंग करें, फिर से हम प्रोग्रेसिव डाइव जॉइंट में जाते हैं, और वो जाओ मैं हमने कितना लिया था 35 और 9, इसको भी लेते हैं, ये हमने लिया था 65 ओके। और उसके बाद हम इसको अपने पार्ट को ऑन करते हैं, इसमें क्या है उसको पूरा अनबेंड कर लेंगे, अनबेंड हो गया अप्लाई, और इस तरह इसको भी हो अप्लाई, और इसको भी सो इंटरनेट रिजल्ट, और इस बेंडिंग को भी हम सीधा कर लेते हैं ओके। और उसके बाद हमारा रहेगा कैंसिल, उसके बाद हमें क्या करना है, फिर से होम में जाकर डिलीट फेस करना है, और ये जो रेक्टेंगल कटा हुआ है इसको डिलीट कर देते हैं अप्लाई, नहीं इसको अगले स्टेशन में करेंगे, इसमें हमारा ये बेंडिंग के पहले बना पड़ेगा अप्लाई। इसके बाद हम अगला स्टेशन ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद ये होल भी बंद कर देते हैं अप्लाई, और इसको हम सिलेक्ट किया ओके। तो ये दोस्तों हमारा यहाँ तक हो गया, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें सारे पार्ट ऑन कर लेने हैं, ऑन करने के बाद में जो हमारी बेंडिंग की जो लाइन से दिख रही है इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें ऑप्टिमाइज फेस करना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले एक पार्ट ऑन करना है, सबसे लास्ट वाला करते हैं, और हमें ऑप्टिमाइज फेस, और यहाँ हमें टेस्टिंग फेस चेक क्लीन बॉडी बिफोर ऑप्टिमाइज, ठीक है रिपोर्ट के देते हैं, अप्लाई करते हैं उसको यस। मैं देख रहा हूँ आपको सारी लाइन से हट गई। उसके बाद में अगला ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद यही ऑप्टिमाइज फेस अप्लाई यस, उसी तरह 3 नंबर भी ऑन करते हैं, ऐसे एक एक करके कर लिया हमने। उसके बाद 2 नंबर को भी ऑन करना है, इसको भी हमने सिलेक्ट किया, इसके बाद 1 नंबर को भी ऑन कर लिया, मोड में जाएंगे ऑप्टिमाइज फेस अप्लाई यस। तो ये दोस्तों हमारा यहाँ तक हो गया, इसके बाद इमिटेट स्ट्रिप टूल का हमारा काम हो गया, इसके बाद चलाएंगे हम स्ट्रिप डिजाइन में, इसमें बहुत सारी और बहुत सारी कमांड है, इसमें हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, जितनी जरूरत है उतनी लेंगे,
इसके बाद में हमें स्ट्रिप डिज़ाइन में जाना है। इसमें प्रोजेक्ट है, ब्लैंक जनरेटर है, ब्लैंक लेआउट है, स्क्रिप्ट डिज़ाइन है, स्ट्रिप लेआउट है, कोर्स कैलकुलेशन भी है इसमें। आप अलग अलग कोर्स का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट में। इससे पहले क्या करना है, हमें सभी पार्टों को ऑन करके फाइल को सेव करना है, सेव ऑल कर देना है इसको। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जो प्रोजेक्ट में ये हमारा कहाँ सेव हो रहा है। ठीक है, एडमिन डेस्कटॉप में फोल्डर पार्ट थ्री में दबा हुआ, मेटल हमारा वो सेम है, और न्यू नेम प्रोजेक्ट अप्लाई, और यहाँ हमारा पार्ट नेम मैनेजमेंट हो गया। तो पार्ट को रियल नेम कर लेते हैं कुछ भी, 01 इसको डाल लेते हैं ब्रैकेट, और नेक्स्ट पार्ट नेम नंबर वो कोई भी डाल लेते हैं, चलो 13 ही रहने देते हैं, और इसको हम सी आल नेम्स और ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद हमारा सिंगल पार्ट खुल गया, और इसको भी ओके करते हैं। उसके बाद जाएंगे हम ब्लैंक जनरेटर में, ब्लैंक जनरेटर यहाँ क्रिएट एडिट भी हो जाता है, क्रिएट में रहना है, और ब्रैकेट उठाना है जो हमने रीनेम किया था, और इंपोर्ट ब्लैंक पार्ट, ये देखने वाली बात है इसमें कौन सा इंपोर्ट करना है। तो ब्लैंक पार्ट हमारा सबसे लास्ट वाला फाइनल पार्ट है, यही उठाना है, नहीं कि ये 4 नंबर 3 नंबर 2 1 या टॉप भी और मैन ब्रैकेट भी, तो हमें फाइनल 5 वाला उठाना है। जब हमने उठा लिया पार्ट हमारा स्क्रीन पे आ गया, सेलेक्ट एक्सटेंस डी फेस, इसका ये फेस ये देख रहे हो, हमें यही फेस करना है टॉप वाला, इसको हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद हमें ब्लैंक लेआउट में जाना है, ये मेन चीज़ है। इसमें क्रिएट लेआउट, एडिट ब्लैंक, कॉपी भी हो जाता है, जैसे कई बार टूल क्या है डबल कैविटी का होता है, डबल ब्लैंक करते हैं, रिमूव ब्लैंक, सेट पेस पॉइंट, फ्लिप ब्लैंक, तो हमें क्रिएट लेआउट में जाना है, सिंगल पीस का ही बढ़ाना है। हमें शिफ्ट करने यहाँ से शिफ्ट भी हो जाता है, शिफ्ट करने की जरूरत नहीं, हमें ये वैल्यू हम 0 रहने देते हैं, और वाई में भी शिफ्ट हो जाता है। अगर रोटेट भी करना है इसको रोटेट भी हो जाएगा। मेन हमारी पिच है, तो पिच हमने इंटरटेस स्टेज पे 75 डाला था, तो यहाँ भी 75 रखेंगे, और विड्थ ये वाली डिस्टेंस ये हमें ठीक ठाक लगती है, इतनी होनी चाहिए, कितनी है चेक कर लेते हैं, अराउंड वेरी गुड, ठीक है, और 178 है, ये भी ठीक है, एवरेज बॉटम टॉप एवरेज रखेंगे। मेटल यूटिलाइजेशन हमारा 74.4 हो रहा है, ठीक हो रहा है, मिनिमम स्पेस पिक्चर जो हमने स्पेस डाला था 7, ठीक है, और हम इसको अप्लाई करते हैं। ओके, इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, फिर से प्रोग्रेसिव डाइव चार्ट बनाना है, स्क्रैप डिज़ाइन, स्क्रैप डिज़ाइन में भी वही है, क्रिएटेड डेटा डेट ऑन ग्रुपिंग, हमें अभी क्रिएट में रहना है, ब्लैक बाउंड्री है, होल बाउंड्री है, क्लोज करो है, लाइव फिट शीट बॉडी है, और चेंज टाइप है, तो हमें क्रिएट में रहेंगे वो ब्लैक बाउंड्री बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर 1 हमारा, और हम स्केच लेते हैं, हमने स्केच ले लिया, इसको ओके कर लिया, और सबसे पहले हमें क्या बनाना है इसका पायलट के लिए, हो जो ये होल है ना पायलट, यही होल रखेंगे हम, जो हमारा पार्ट में बीच में जगह बच रही है, वैसे कर सकते हैं हम साइड ऑन, ये जो पंचिंग वाले होल है 4, इन होलों में भी रह सकते हैं, पर हमें पायलट के लिए हमारे लिए जगह है तो उसमें भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डायमीटर उठाते हैं, डायमीटर हमारी 10 mm है, तो हम 6 mm लेंगे, ले लिया हमने इसको, इसको हमने जनरल कर लिया, और ये डिस्टेंस सेट कर लिया यहाँ से, इसका मिड पॉइंट ये हमने डाल लिया 37.5, आने रहा क्योंकि बोल के टच हो गया, हमारे से ले लेते हैं
सर्कल ये डाल लिया हूँ। ये डिस्टेंस हम 75 डिवाइड बाय 2 यानी 37.5 और इसका सेंटर पॉइंट स्केच का सेंटर पॉइंट हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं हम और इसको हाइट हम इसको हाइट कर लेते हैं। इसके बाद हम फिनिश करते हैं। फिनिश करने के बाद देखो ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया। उसका नंबर एक ही रखना है, फिर अलग अलग स्केच बनाए उसके नंबर चेंज होते जाएंगे। सेटिंग स्टोक के फोर जो पियर्सिंग या कलर भी कर सकते हो आप, तो ये वाला कलर ले लेते हैं और अप्लाई। उसके बाद में इसको नंबर बढ़ा दिया हमने, फिर से स्केच लिया। ओके फिर से स्केच लेके हमने ये बाहर की चीज़ बढ़ानी है जो हमने फोटो में देखा था ना, जो साइड से कटिंग हो रही है, जो विड बना रहा है उसके लिए कटर, उसको साइड कटर भी बोलते हैं। विड पॉइंट ले लिया हमने 10 mm और उसके बाद हम 75 की पिक्चर, तो हम 75 लेंगे। अलग अलग लेआउट में अलग अलग हो जाता है, उससे कोई परेशान नहीं। उसके बाद में ये मिला दिया हमने, ये नीचे कितना आना है, नीचे में आना है 75 ले लेते हैं हम और फिर से 75 और ये 10 mm और फिर उस लाइन के हम वैसे प्रोजेक्ट कर भी कर सकते हैं, बाकी मिला भी सकते हैं, वैसे भी सीधा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से यहाँ रेडियस है, फिर से हम ये लाइन मिला लिया, ये मिला लिया। ओके साइड कटर में आपने देखा होगा खास करके बाहर की साइड रेडियस डाल देते हैं, रेडियस होता ही है, दो बार हमने रेडियस डाल दिया दोनों कॉर्नर पे उसको। उसके बाद जो डायमेंशन शो रही उसको हाइड कर देते हैं। बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ना, बड़ी आगे जाके दिक्कत करती हैं, भी ऐड कर दिया हम जो है, और इसको भी उठाना पड़ेगा। और ये डायमेंशन देखो कर दिया और अप्लाई। देख रहे हो साइड कटर हमारा बन गया। इसके बाद हमें नंबर 3 में जाना है और फिर स्केच लेना है, फिर हमें इस साइड का कटर बनाना है। ये साइड का हमारा बन गया, इस साइड का बनाना है ये कटिंग के लिए, ये कटिंग इस टाइप की ये बनाना है। ये बनाते हैं, हमने स्केच ले लिया। स्केच लेने के बाद हमें लाइन ड्रॉ करना है, तो लाइन इसके मेन पॉइंट से चलते हैं सब, और जो हमने 75 किया था फिर से 10 mm और इस लाइन को बनाते हैं। अब ये देखने वाली बात है कि ऊपर कितना जाए और हमें कितना मार्जिन जो फाइनल कटिंग करेगा, हम 75 ले लेते हैं लाइन को। फिर दशम आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हो, जो दशम हमने 65 का पीस है और 10 mm पिच हो गया, तो 10 mm गैप हो गया तो हमारा हो गया 75 का पिच हो गया, एक से दूसरे स्टेशन की डिस्टेंस। यहाँ पे से हम 2 का रेडियस लगाते हैं और यहाँ भी, और ये डायमेंशन जैसे हमने पहले हाइड करी थी इसको हाइड कर देते हैं डिलीट। सारी डिलीट करनी पड़ती है, उसके बाद आगे जाके कोई दिक्कत ना हो, इधर भी है। इसको भी हेड करके हमने
फिनिश कर दिया, अप्लाई। तो हमारे साइड कटर का तो काम हो गया, बचा हमारा फाइनल कटिंग। जो फाइनल कटिंग है जो पीस को अलग अलग कर रहा है, स्क्रैप जो जुड़ा रहेगा, प्रोग्रेसिव डाई का यही मतलब होता है, आगे फाइनल में जाके कटे हुए अलग अलग स्टेशन पे हर कोई नया ऑपरेशन हो। तो चार नंबर नंबर बढ़ा दिया, फिर स्केच करते हैं। ओके, उसके बाद हमें चेक करना है डिस्टेंस कितनी है हमारी, वहाँ से इसके करीब ले लें इसको, और फिर एक रेक्टेंगल उठाते हैं इसके एंड पॉइंट से, और ये हमारा दशा हो जाएगा, ये हमारा वाई से इसको डायमेंशन है इसको ऐड कर देते हैं और इसको फिनिश करते हैं। अप्लाई क्योंकि वो तो बड़ा ही आसान तरीका है, देख रहे हो आप, समझ नहीं आएगी। बिल्कुल भी फिनिश। चलो दोस्तों, स्क्रैप डिजाइन हमारा हो गया है, इससे आगे हम शुरुआत करते हैं। स्क्रैप डिजाइन से आगे बनाएगा स्ट्रिप लेआउट। स्ट्रिप लेआउट बनानी है हमें, चलो दोस्तों आगे का काम शुरू करते हैं। तो आगे हमारा काम हो गया, ब्लैंक लेआउट हो गया, स्क्रैप डिजाइन हो गया, उसके बाद है स्ट्रिप लेआउट। स्ट्रिप लेआउट आ गया हमारा, और हम इसको क्रिएट करते हैं। और ये हमारे जो हमने स्क्रैप डिजाइन किया था ये आ गया सामने में। तुम्हारे स्टेशन बहुत ज़्यादा है, कुछ एक स्टेशन हम हटा देते हैं, हम 8 या 9 रखते हैं। उसके बाद और हम क्या करते हैं,
आते हैं और उसको एम्बेडेड पार्ट को ओके करते हैं, तो हमें ये वाला देंगे ओके, ये हमारा ओपन हो गया। इसके बाद हमको सारे पार्ट सेट करने होते हैं, हम इसको कॉपी करते हैं, यहाँ लेके आते हैं, तो इसको भी कॉपी करते हैं, इसको भी यहाँ लेके आते हैं। उसके बाद इसको चाहे तो हम क्लोज कर सकते हैं, इसको कॉपी और ये देख रहे हैं इस टाइप का है। क्लोज करते हैं, इसको कॉपी करके हम क्या करते हैं, तो सॉरी दोस्तों हमारा यहाँ तक बन के तैयार हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको इनवर्स पेसिंग करते हैं, तो हमारी रहेगी है एक से टेन तक, ये हमारा हो गया यहाँ तक। उसके बाद में हमें क्या करना है, उसके बाद हमें रिमूव ब्लैंक मैटर, हमें दो नंबर से टेन नंबर तक देखते हैं क्या होता है, नहीं थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा तीन नंबर, तीन नंबर से नौ से लेकर दस नंबर तक। तो देख लो दोस्तों इस टाइप का बन गया हमारा। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको ट्रिम करना पड़ेगा, ट्रिम बॉडी में जाते हैं,
क्यों नहीं हो रहा है। स्टेप का हो गया, इसको हम चाहे तो नकल कर सकते हैं, मतलब फाइनल पार्ट है, इसको हमने अलग कलर कर लिया। देख रहे हो स्टेप का, यहाँ पीसिंग साइड कटिंग प्रोफाइल कटिंग का भी काम करेगा, और ये पीसिंग वाला हमारा पार्ट में कोई एक्स्ट्रा है वाला ऐसा है नहीं, हमने इसी होल को पीसिंग कर लिया और बाद में जाके स्क्रैप में कट जाएगा। तो सबसे पहले हमारा क्या हुआ, यहाँ पीसिंग हुआ, उसके बाद में ये प्रोफाइल कटिंग, हमारा आगे बढ़ता गया राउंड पंचिंग यहाँ भी, और स्टेशन पर स्लॉट कटिंग, और यहाँ बेंडिंग हुई है जो हमने 35 और 60 लिया था। और उसके बाद हमारा ये बॉसिंग हुआ है डिम्पल टाइप का, और उसके बाद अगला ऑपरेशन हमारा यहाँ थोड़ी सी दिक्कत है, दोबारा से करते हैं इसको सेट। होल भी हो जाएगा और होल के बाद फाइनल पीस पार्टिंग भी हो जाएगा, तो इसको इसके बाद में पॉइंट कर स्केच स्टाइप का हो गया, कलर करते हैं यूज स्टील का कलर मैक्सिमम स्टाइप का होता है। दोस्तों ये स्ट्रिप लेआउट है, अलग अलग ऑपरेशन आपको हर स्टेशन में, ये खासकर प्रोग्रेसिव डाइव में होता है, जो भी हमने लिया प्रोग्रेसिव डाइव जैट की कमांड उठाई थी सारी, और इसी से शुरुआत करिए। तो ये देख सकते हो इस टाइप का टूल डिजाइन, उसके बाद में टोटल हमारे स्टेशन हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 10वें स्टेशन में जाकर हमारा पार्ट फाइनल पार्ट हो रहा है, ये आप देख सकते हो। और हमने जो सेम दिया, जैसे ये बेंडिंग और ये सेम है, इसमें क्या होगा मेटल में स्प्रिंग बैक वगैरह के लिए सही रहता है, स्टेशन एक एक्स्ट्रा स्टेशन ऑफ होना ज़रूरी है जिसमें हम उसको दोबारा से दबा सकें या रिस्ट्राइक कर सकें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे हमने दो एंगल में लिया, इसको 60 लिया और उसको फिर 90 बैंड कराया, और इसको
ये 50 एंगल है, एंगल चेक कर लेते हैं। घंटी दिखा रहा है, ट्रिप हो रहे हैं। देख रहे हैं स्टैक कर रहे हैं, स्टैक कर रहे हैं। टूल थोड़ा बड़ा बनेगा, उसको भी आप टूल के हमारे टोटल लेंथ हो जाएगी इसकी 782। तो काफ़ी बड़ा बनेगा, बैक लाइट की लेंथ रहेगी, पर हमारा काम अच्छा होगा। उसको देख रहे हैं बड़ी बहुत ही बड़े स्ट्रिप डिजाइन होगा इससे। चलिए आप भी देखते रहिए आगे से भी वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।